सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस बात की समीक्षा करेंगे कि देश में जो हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर लॉकडाउन किया है, उस लॉकडाउन का दरअसल कितना असर है और क्या हम इसमें कामयाब हुए हैं, या जिस लिए ये किया गया है यानी कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, उसमें हमारी अपनी तैयारियों की कमी की वजह से या आनंद फानन में फैसला लिए जाने की वजह से वो नतीजे नहीं आए हैं जिन नतीजों के लिए हमने ये किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है अभी 5 अप्रैल की, और वैसे तो आप सब लोगों को ही पता है कि जितनी बार प्रधानमंत्री जी कोई घंटी बजाने का या किसी दूसरे किस्म का आह्वान करते हैं, उतनी बार उनका जो लॉकडाउन का लक्ष्य है वो कार्यक्रम तो हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त सफल हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस लक्ष्य में लक्ष्यभेद भी हो जाता है। तमाम जगह हम लोगों ने पाया था, जब पहले घंटी बजी थी तो लोग सड़कों पर उतर आए, इस बार आपने पाया लोग आतिशबाजी करने उतर आए, तमाम जगह लोग जुलूस लेके निकल आए। तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर इसी में से एक चीज़ बताती है कि एक महाराष्ट्र में बीजेपी के MLA हैं दादो राव केछे, वहाँ इस तरह के नाम होते हैं जो उत्तर भारतीयों को थोड़ा अपरिचित लगेंगे, तो ये बीजेपी के वहाँ MLA हैं, उसी दिन इनका जन्मदिन था। तो साहब इनके जन्मदिन पर अभी आप वीडियो में देखेंगे लगभग मेला लग गया, सैकड़ों लोग चले आ रहे हैं, जन्मदिन पर वो गरीब लोगों को कुछ दान वान भी करते हैं, तो सारा लॉकडाउन आपका लॉक ब्रेक हो गया। ऐसी ही दूसरी जगहों से घटनाओं की रिपोर्ट्स आई कि लोग आतिशबाजी करने सड़कों पर उतर आए, कुछ लोगों ने खुद को आग लगा ली, कुछ लोगों ने आतिशबाजी की वजह से दूसरों के घर में आग लगा दी, तो ये सब और जुलूस निकालने लगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो लॉकडाउन का लक्ष्य है कि इस वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, लोगों से लोगों का संपर्क तोड़ने के लिए ये सिर्फ कॉलोनियों के फ्लैट्स तक सीमित न रह जाए जो घंटी और घंटा बजा रहे हैं, बल्कि ये जो आम जनता है उसमें लोगों का लोगों से संपर्क न हो, वो ब्रेक किया जाए जिससे वायरस फैले नहीं, ये इस मतलब आयोजन का लक्ष्य है। और यही सोचा जाता है कि इससे हम ऐसा हासिल कर लेंगे और भारत में नहीं फैलेगा। भारत में कम फैलने न फैलने की बहुत दूसरी वजह हैं, आज के कार्यक्रम में हम उस पर नहीं जाएंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे कि लॉकडाउन में दरअसल हमारे यहाँ हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो वो घटना लेते हैं कि चूंकि इस लॉकडाउन को उस तैयारी से नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिए, तो नतीजा क्या हुआ और इसके बारे में राज्यों से, विपक्षी दलों से, समाज से किसी किस्म का कोई संवाद नहीं हुआ। सीधे एकाएक एक घोषणा हुई, 2 दिन पहले एक प्रायोगिक घोषणा हुई वो भी एक तरफा थी, और उसके 2 दिन बाद फैसले की घोषणा हुई वो भी एक तरफा थी, कोई संवाद नहीं था। दो लोगों में आपस में जो बात होती है तो समाज और नेता के बीच एक संवाद होता, समाज और सरकार के बीच एक संवाद होता, जनता अपनी तकलीफ बताती कि हमें ऐसा ऐसा हो सकता है, आप उसका हल करते और उसके बाद एक फैसले पे पहुंचते, ऐसा नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि लाखों मजदूर, लाखों दिहाड़ी कमाने वाले लोग, लाखों ऐसे लोग जिनके रोजगार और जीवन में बहुत ही विषमताएं हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, ठीक से घर नहीं है, मकान मालिक पर आश्रित हैं, या झोपड़ियों में रहते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, इस तरह के तमाम लोगों को लगा कि उनका इसमें, चूंकि इसको लेके बहुत सारी शंकाएं थीं और इस 15 दिन के बंद ने उस शंका को बलवती किया, वो शंकाएं ये हैं कि महीनों बंदी रह सकती है, तो उनको लगा कि ऐसे समय में वो जिन कठिनाइयों में औद्योगिक जगहों में फंसे हुए हैं रोजी कमाने के लिए, उसकी जगह उनको अपने गाँव लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में ये भी भ्रम था कि ये पता नहीं महामारी क्या आकार लेगी, कितने लोगों की जान लेगी और खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम शंकाएं उनको उनके दड़बों से निकाल के उनके गांव की ओर लौटाने लगी, और पूरे देश में कोलाहल मच गया। तो पहले ही दिन ये जो आयोजन था उसके 3-4 दिनों तक ये वैसे ही ध्वस्त हो गया। अगर ये सोचा गया होगा कि लोगों से लोगों का संपर्क न हो, तो आप देख रहे थे कि पूरे देश में रेवड़ निकल आए लोगों के, काम करने वाले मजदूरों के और दिहाड़ी रोजी कमाने वालों के, छोटे मोटे खुदरा व्यापार करने वालों के, एक साथ लाख
डाउन होने से उन सब लोगों को उनकी अपनी जो छोटी सी अर्थव्यवस्था है, छोटी सी जीवन की व्यवस्था है, वो तहस नहस हो गई। उसका असर इतना है कि अभी कल की खबर है, इतने दिन बीत जाने के बाद कल मेरे गांव में सुल्तानपुर में यहां से 700 किलोमीटर दूर एक लड़का पुणे से चल के अभी कल गांव में पहुंचा है। 6 या 7 दिन वो पता नहीं कैसे कैसे, कभी किसी कोई वाहन पे चढ़ गया होगा, कभी पैदल चला होगा, कभी दौड़ा होगा, कभी सोया होगा, कैसे वो पहुंचा, लेकिन वो पहुंचा है, जिंदा सबूत है मेरे सामने। तो ये अभी तक ये चाल जारी है। हम लोगों को चूंकि लॉकडाउन हो गया, जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, सूचना के जो भी स्रोत हैं, वो सब सूख गए, सब बंद हो गए, तो ये खबरें आ नहीं रही हैं, ये इक्का दुक्का आ रही हैं, या इस तरह की खबरें आ रही हैं जैसे तबलीगी जमात से निकल के आई और जिनको टेलीविजन चैनल एक तरफा बना लेता है। चूंकि मुसलमानों का मामला हो तो हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, जब से मोदी जी आए हैं, ये वाली धारा लाए हैं, तो हमारे सारे टीवी चैनल बस मुसलमान पकड़ो, मुसलमान बदनाम करो, मुसलमान को। ऐसा नहीं है कि कोई तबलीगी जमात कोई वाकई वो संस्था है देवदूत की या उन्होंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल लापरवाही की, ऐसी 10 लोग लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे आप मजदूरों को भी गुनहगार ठहरा सकते हैं, लेकिन वो गुनहगार नहीं है। एक परिस्थिति जन्य स्थिति थी, उन्होंने एक आयोजन किया, थाने के बगल में उनकी दीवार लगती है, हमारी सारी एजेंसीज को मालूम है, उनके आने वाले सारे मेहमान एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पर उनका रिकॉर्ड बना, उनको वीजा भारत सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने, केंद्रीय एजेंसी वैसे ही इन सब की पड़ताल करती रहती है, सब सबको मालूम था। उसके बाद उनको गुनहगार ठहराना या किसी को गुनहगार ठहराना, इसका कोई तर्क है? लापरवाहियों का कोई तर्क है? लेकिन इस पर बात कौन करता है? बात सिर्फ ये कि हमें मुसलमान मिल गया, हमने उनको विलीफाई कर दिया, सारे बिल उन पे फाड़ दिए, सब गलती उन्हीं की है, और नतीजे क्या हो रहे हैं? वो भी अनजान अज्ञानी और अजीब लोग हैं, तमाम जगह उनकी वजह से बीमारी फैली, बहुत सारे लोगों में फैली, अभी वो जहां इलाज के लिए भर्ती किए जाते हैं वहां से भाग जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एक सज्जन है जो यहां मेरठ में एक जगह क्वारंटाइन किए हुए थे, वहां से भाग गए, फिर पुलिस उनको पकड़ के लाई है। तो वो और अपने को हंसी का पात्र और ये दकियानूसी किस्म की धार्मिक आस्थाएं हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं, और खासकर एशिया के गरीब देशों में, अफ्रीका के गरीब देशों में इनका बाजार है, भारत उसका एक बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, किसी भी दिन सबसे नंबर वन आबादी वाला भी देश हो सकता है। तो नतीजे क्या हो रहे हैं? यही फरीदाबाद में आप देखिए, अभी आप वीडियो देखेंगे कि फरीदाबाद में एक मंडी है, जब आप इस तरह से चीजों को बंद करते हैं, व्यवस्था आपने पहले से की नहीं, मुख्यमंत्रियों से और काम करने वालों से कोई तालमेल बिठा नहीं, एकाएक लोग भूखे और प्यासे और सब्जी और तेल सबके बिना कैसे रह सकते हैं? नतीजा ये हुआ कि आप वीडियो देखिए, मंडी में मेला लगा हुआ है, बीच रोड में खड़ी है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब ऐसे ही माल ले रहे हैं, मस्जिदों से ज्यादा भीड़ तो इस डबुआ मंडी में है, कहीं भी देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ कभी आज तक आई नहीं है, यहाँ भीड़ पे भीड़ खड़ी है, आप देख सकते हो, सारे जाम के जाम लगे पड़े हैं, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आप देख सकते हो, सब ऐसे ही माल ले रहे हैं, अगर ये मंडी बंद होगी जब ही फायदा होगा। क्या लॉकडाउन है आपका? किसके लिए लॉकडाउन है ये? उसको छोड़िए, ये वहां हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अब आप गुजरात चले आइए, सूरत का वीडियो देखिए, कई वीडियो है आपको हम एडिट करके छोटा सा दिखा रहे हैं, ये सूरत में भी एक मंडी का ही मामला है, देखिए भगदड़ मची हुई है, हजारों लोग सड़क पे हैं, कौन सा क्वारंटाइन, कौन सा लॉकडाउन, कौन सा आप इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, तहस नहस, बुरे हाल है। देखिए आप थोड़ा वीडियो देखिए, I'm
ये दादर का दृश्य है सुबह, बंबई का, दादर में सुबह सुबह बेचारे रोजी रोजगार के लिए टैक्सी वाले काम वाम नहीं है, बहुत परेशान है, जोमेटो खाना पहुंचाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, रोटी नहीं है। आप उनके यहाँ कभी किसी के यहाँ राशन आपने टुकड़े में फेंक दिया, टेलीविजन पे बयान दे दिया, इससे होता है? दूसरे छोड़िए, कल अभी दिल्ली का नरक दिखाता हूं आपको, ये दादर का आप देख लीजिए पहले। दिल्ली में शालीमार बाग एक बड़ी बस्ती है, शालीमार बाग में एक हैदरपुर बस्ती है, हैदरपुर बस्ती में 15,000-20,000 लोग सड़क पे उतर आए, कल की बात है, वीडियो देखिए। तो मेरा यही मांग है कि मेरा सूखा खाना मिले, मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, आपको तनख्वाह मिल गई होगी, तनख्वाह तो 10 दिन काम करी थी, 10 दिन के पैसा जो मिला 2,000 रुपया मिला, वो 2,000 से मेरा पूरे महीना चला जाएगा, 5 फैमिली का खाना उसमें नहीं खा पाऊंगी। आपके पति क्या करते हैं? मैं काम कर रही हूँ, उनको तनख्वाह मिली है, उसको वही 2,000 रुपया मिला है, उसी में मैं गुजारा जैसे तैसे कर रही हूँ, मगर अभी तक मेरा कोई वो नहीं हुआ है। जब मालिक भी यही कह रहा है जब फैक्ट्री बंद है तो मैं कहाँ से क्या कर सकती हूँ, नहीं जा रहा है गुजारा, मेरा कच्चा दाना दीजिए, मैं जितना ही होगा उतना ही अपना घर में बना के खाएंगे, अपना बच्चा के मैं पालूंगी। पैसे इतना पैसे धान ली होगी, बिल्कुल भी जिसकी जो समस्या है एक आध रुक जाए, बाकी अपने अपने घर जाए, पहले बिल्कुल मिलेगा, पर ये है कि इस तरीके से नहीं मिलेगा। हम बंदोबस्त करवाएंगे खाने का, लेकिन पहले आप अपने अपने घर जाएं, एक दो जन ही रुक जाए, एक दो लोग रुक जाएं, बाकी नहीं खाना मैं मंगवा कर दूंगा। कच्चा सरकार से मांग यही है, सरकार तो सरकार जाने किराए की सबको अभी, लेकिन आप पहले दूर चाहिए, हमें राशन चाहिए, कच्चा राशन चाहिए। दिल्ली की सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, काम करने की कोशिश करती हुई लगती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। वो कह रही है हम 4 लाख 4.5 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं, लेकिन लोग पहले 1-2 दिन खाने की बात होती, अब लोग कह रहे हैं हमको राशन दीजिए, क्योंकि वो खाना उनके पेट भर को नहीं होता, मेहनती लोग हैं, उनकी खुराक ज्यादा है, बच्चे हैं सबके घर में, और वहां लाइनें लगती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस तरह से व्यवस्था करने में, उससे व्यवस्था ज्यादा हो रही है, नतीजा ये कि भूखे पेट रह गए लोग, 15,000-20,000 लोग सड़क पर उतर आए, अब पुलिस बिचारी उनको संभाल रही है, कह रही अन्न पहुंचाएंगे, वो कह रहे हैं हमें राशन दे दीजिए आप, ये स्कूलों में खाना बना के ठेकेदार के जरिए कमीशनबाजी मत करिए, बहुत जगह इस खाने की शिकायतें हैं, वो बहुत पतला सा एक आप कोई ना कोई तरी वाला चीज बना देते हैं और चावल दे देते हैं, इस तरह की वो खाने में उनको नहीं पसंद है, और मनुष्य है, ना करने का हक है उनको, तो वो बात कर रहे हैं कि आप हमको अन्न दीजिए। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे ये लॉकडाउन की जो भी स्थिति हम सोच रहे हैं, जो भी हमारा इसके बारे में स्वप्न है, जो भी सत्ता और शासन ने सोचा है, सब ध्वस्त हो रहा है, इसलिए इन चीजों को देखने की बहुत जरूरत है। सोलापुर में महाराष्ट्र में मार्च 30 की टाइम्स नाउ की खबर है, एक गांव है अक्कलकोट, वहां साहब एक धार्मिक समारोह शुरू हो गया, सिर्फ मुसलमानों को मत देखिए, अगर आप खबरें देखेंगे तो आप पाएंगे हमारा देश धर्म भीरू है, मुसलमान भी धर्म भीरू है, हिंदू भी धर्म भीरू है, अलग अलग क्लास बना हुआ है, सिर्फ आप उनको बड़ी बड़ी कॉलोनियों में फ्लैट्स में रहने वाले और ढोल बजाने वाले और दिया जलाने वालों से इस देश को मत देखिए, ये देश बहुत विशाल है, इसमें 1,37,00,000,000 लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, 43 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो आप उनको घुमंतू कह सकते हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, वो काम करने के लिए निकलते हैं, काम करते हैं, फिर लौट जाते हैं, गांव है ठिकाना नहीं है, 43 करोड़ ये आबादी है, घुमंतू आबादी इस देश में, वो सब आए थे, सब लौट गए या फंसे हुए हैं, वो सब हिलडुल रहे हैं, और वो आपके इस अभियान को उनकी परिस्थिति की वजह से अभियान टूट रहा है। सोलापुर में यह धार्मिक जुलूस था, पुलिस से बाकायदा कुश्ती हो गई, लाठीचार्ज हो गया, लड़ाई हुई। तो ये स्थितियां सूरत में, फरीदाबाद में,
सोलापुर में, दिल्ली में, ये पूरे देश में है। और वो लाखों मजदूर जो निकले हुए थे वो किस हाल में कहाँ है, ये अभी हमारे जो सामाजिक विमर्श है उससे ये बाहर है। तो महोदय, भविष्य में आप जो भी करें, हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे एक अपील तो की ही जा सकती है, एक सवाल तो किया ही जा सकता है, बेहतर हो कि लोगों से संवाद करके करें, बेहतर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन बाकी राज्यों से, ये एक लोकतांत्रिक देश है, जो आपने अभी कल एक दो दिन में किया वो पहले क्यों नहीं किया। आप सारे मुख्यमंत्रियों से बात करिए, दूसरे विरोधी दलों से बात करिए, इस जनता से बात करिए, पत्रकारों से बात कीजिए। आपने 5 साल 6 साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये जरूरी है कि आप संवाद कीजिए। अगर आप संवाद नहीं करेंगे तो जो फैसले होंगे उनके नतीजे इसी तरह से कहीं जाके ऐसे हो जाएंगे कि उनके नतीजों के नतीजे बहुत खराब होंगे। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर इस तरह की किसी बात को इसी तरह से लेके आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।